गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं मुंबई बोरीवली। तो बोरीवली से अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया तो बहुत सारे जन मतलब आते हैं देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फेमस जगह है। तो मैं भी जा रहा हूँ। अभी है ना, मेरा मुंबई आना जाना ज़्यादा बढ़ गया लगता है, अच्छी बात है। तो लेट्स गो। गाइज, मैं आ गया हूँ यहाँ पे मरीन लाइंस पे। मरीन लाइंस में यहाँ पे ना ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा है। यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा है पूरा। तो ये जो है पूरा जो रोड है ना, डेवलप हो रहा है। और आगे का जो रोड है, मतलब ये है आगे का रोड। आगे का रोड से ये लोग ने क्या किया है कि ये पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन किया है। मेरे पीछे आप देख रहे हो समुंदर है, और यहाँ पे व्यू भाई एक नंबर व्यू है। तो अगर आप मुंबई में हो और अगर आप मरीन लाइंस में अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गाइस, ये है मरीन लाइंस। तो पहले जहाँ पे हम लोग गए थे वो था कंस्ट्रक्टेड एरिया, वो पीछे की तरफ है। और ये रहा आपका मरीन लाइंस। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं। यहाँ पे जो हवा आ रही है ना, बहुत मस्त हवा है। और सामने की तरफ मेरे ना बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। ये जो एरिया है ना मुंबई का, काफ़ी ज़्यादा पॉश एरिया है। और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे और बांद्रा में रहते हैं। मेरे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया। और ये गेटवे ऑफ इंडिया में आज हो रहा है नेवी का कुछ फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन है। तो यहाँ पे ना नेवी के काफ़ी सारे ऑफिसर्स आए हुए, उनके लिए ये फंक्शन रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइट्स जो हैं, वो लाइट में आपको दिख रहा होगा इंडियन फ्लैग पूरा का पूरा उन लोगों ने बनाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और आपको मेरी वीडियो में बाजू की तरफ है, यहाँ पे ये है ताज होटल, और उसके बाजू में है ये जो लंबी सी जो बड़ी सी आपको जो दिख रही है ना, वो दोनों की दोनों ताज होटल है। ये वाली जो है वो नई है और ये वाली है, सो दिस इज द ओल्ड वन। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी सेल्फीज ली, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ले। अरे यार, इधर आए हैं यार ताज होटल पे, और पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया। इतना प्यारा सा डेकोरेशन है गेटवे ऑफ इंडिया का कि यार कोई भी यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाए। तो अभी हम लोग जाएंगे और डिनर करेंगे। तो ये रहा वो नेशनल पार्क, और ये रही वो जगह जहाँ पे हमने हमारी जो स्कूटी है वो हमने पार्क किया हुआ है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ से लेंगे साइकिल रेंट पे। यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्स है, काफ़ी सारे रिवर है। ये जो नेशनल पार्क है वो है बोरीवली ईस्ट में। तो अगर आप यहाँ पे हो तो आप ज़रूर से इस एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हैं। तो गाइस, ये है संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में। तो अभी हम लोग का जो टिकट है वो टिकट हमने ले लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं साइकिल रेंट के लिए। तो ये रही वो जगह जहाँ पे आप अपनी साइकिल को रेंट करके आप अंदर घूम सकते हो। तो ये जो साइकिल है यहाँ पे आप टिकट यहाँ पे लेनी पड़ेगी साइकिल की, और आप बाद में यहाँ पे साइकिल के साथ आप पूरे नेशनल पार्क में आप घूम सकते हो।
गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आया हूँ अभी इन ऑर्बिट मॉल में, ये बोरीवली में ही है। तो यहाँ पे जाएगा मैं और यहाँ पे मैं प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा।